सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय नमस्कार आदरणीय। मस्तिष्क में चिंता और डर दो अगर चीज़ें हैं, जिस भी किसी व्यक्ति के मन में डर भरा रहता हो, वो न केवल कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यवाही कि अपने अवसरों को नष्ट कर देता है, बल्कि उन सभी के मन में भी विनाशकारी कंपनों को पहुंचाता है जो उसके संपर्क में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना है। वो जिसके संपर्क में आएगा उनके भी अवसरों को नष्ट कर देता है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जानता है कि कब उसके मालिक में साहस की कमी होती है। एक कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा फेंके गए डर के कंपनों को ग्रहण कर लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के साम्राज्य में भी बुद्धि की रेखा से नीचे डर के कंपन को महसूस करने की इसी क्षमता को हम पाते हैं। आप मधुमक्खी को देखिए, एक मधुमक्खी भी अज्ञात कारणों से तुरंत ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में डर का अनुभव कर लेती है और उसी व्यक्ति को अधिक सरलता से डंक मारेगी जिसका मस्तिष्क डर के कंपनों को छोड़ रहा होता है, जो भाग रहा होता है, या उस व्यक्ति पर हमला करने की प्रवृत्ति कम होगी जिसके मस्तिष्क में डर को दर्ज नहीं किया गया होता है। जो व्यक्ति नकारात्मक या विनाशकारी विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देता है, वो व्यवहारिक रूप से निश्चित तौर पर उन विनाशकारी शब्दों के परिणामों का वापस अनुभव करता है। अकेले विनाशकारी विचार ही आवेग शब्दों की सहायता के बिना एक से अधिक तरीकों से या एक प्रक्रिया पैदा करते हैं। सबसे पहले और शायद याद रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विनाशकारी प्रकृति के विचारों को जारी करने वाले व्यक्ति को उसे अवश्य ही रचनात्मक कल्पना के संकाय को तोड़ने के कारण नुकसान को भुगतना ही होगा। जीवन में आपका व्यापार, आपकी सफलता आपके विचारों पर ही निर्भर होती है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति ढूंढनी होगी, डर को भगाना होगा, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना होगा, सबसे ऊपर सुख प्राप्त करना होगा। सफलता के ये सभी सबूत विचार और आवेगों के रूप में ही शुरू होते हैं। अपने मस्तिष्क को जब आप नियंत्रित कर सकते हैं तो उन विचार और आवेगों को चुनिए, उनको अपने मस्तिष्क में डालिए जिनके पास शक्ति हो, विशेषाधिकार हो, रचनात्मक हो, जिम्मेदारी हो, सांसारिक भाग्य के उतने ही निश्चित रूप के मालिक हों। ऐसे विचारों को आप अपने अंदर डालिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जितना आपके पास अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण करने की शक्ति होगी, आप अपने जीवन को वैसा ही बनाते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप अपने स्वयं के वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और अंततः नियंत्रित कर सकते हैं। ये अपने उस विशेषाधिकार को प्रयोग करने की उपेक्षा कर सकते हैं जो आपका है, और जीवन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप परिस्थितियों के व्यापक समुद्र में खुद को फेंक सकते हैं, जहां आप इधर उधर लहरों में गोते खाएंगे, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा सागर की लहरों पर खाता है। तो इस मस्तिष्क में चिंता और डर को भगा दीजिए, सकारात्मक विचारों को डालिए, नकारात्मक विचारों को भगा दीजिए। नकारात्मक विचार जैसे ही भगाएंगे, चिंता और डर का अनुभव भाग जाएगा। सकारात्मक सोचना सिर्फ प्रारंभ कर दीजिए, देखिए कैसे आपका मस्तिष्क उसी फ्रिक्वेंसी को डबल ट्रिपल चार गुना करके आपको वो अनुभव देगा, और वही अनुभव आपके जीवन को सफल बनाएगा। ये जीवन अनमोल है, और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। थैंक यू।